नमस्कार साथियों, ज्ञानार्पण अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास का पार्ट टू लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने यह जान लिया था कि बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित करने का काम वर्क महोदय द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा था कि बाल विकास किसी भी व्यक्ति का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक तथा प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। तो ये कहा था, वर्क महोदय ने कहा था। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी द्वारा अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके एक पुस्तक दी थी, बेबी बायोग्राफी। इसीलिए इनको बाल विकास का जनक कहते हैं। यदि पूछा जाए बाल विकास का जनक किसे कहते हैं, तो बाल विकास का जनक पेस्टोलॉजी को कहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना था कि बाल विकास पिता, तो यदि अब आप लोग ये कहेंगे जनक और पिता तो एक ही बात है, तो जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, और पिता वो होता है कि जो आपका लालन पालन भरण पोषण करे वो कहलाता पिता। तो पिता आपका भाई भी हो सकता है, दादा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, अर्थात पिता कोई भी हो सकता है। तो बाल विकास का लालन पालन भरण पोषण स्टेनले हॉल की देख रेख में हुआ। यदि तो पूछा जाए कि बाल विकास का पिता किसे कहते हैं, तो बाल विकास का पिता स्टेनले हॉल को कहते हैं, जिन्होंने दो सोसाइटी की स्थापना की थी। एक तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद यदि पूछा जाए कि बाल आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई, तो बाल आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से हुई, जिसके जन्मदाता स्टेनले हॉल को कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने जान ली थी। थोड़ी सी बात हमने ये और जाना था कि बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ पर हुई, तो बाल सुधार गृह की स्थापना सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1887 में हुई। आगे हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाएं हम लोगों ने दो प्रकार से जानी थी, एक शारीरिक संरचना के आधार पर और एक शिक्षा के आधार पर। तो शारीरिक संरचना के आधार पर बाल विकास को दो अवस्थाओं में बांटा गया, और बांटने वाले मनोवैज्ञानिक हरलाक और जीन प्याजे को मानते हैं। इसके बाद शिक्षा के आधार पर जो अवस्थाओं को 3 प्रकार से बांटा गया, उन्हें बांटा आपके अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं शारीरिक संरचना के आधार पर। तो पीछे हम लोग जान चुके हैं कि शारीरिक संरचना के आधार पर बाल विकास को दो अवस्थाओं में बांटा गया। तो पहली अवस्था आपकी जन्म से पूर्व, और दूसरी है आपकी जन्म के बाद की अवस्था। तो यदि पीछे हम लोग जान चुके हैं कि इन अवस्थाओं का बंटवारा हरलाक महोदया या आपकी जीन पियाजे द्वारा किया गया, तो अब हम जानेंगे कि जन्म से पूर्व अवस्थाओं में किन किन अवस्थाओं में बांटा गया और जन्म के बाद अवस्थाओं में किन किन अवस्थाओं में बांटा गया। तो जन्म से पूर्व की अवस्था, पहली अवस्था आती है, उस अवस्था को बोलते हैं डिम्बावस्था या बीजावस्था। तो यदि पूछा जाए कि डिम्बावस्था या बीजावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, तो डिम्बावस्था या बीजावस्था का टाइम पीरियड 0 से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। अगली अवस्था हमारी आती है कि 15 दिन बाद भ्रूण बन जाता है, तो अगली अवस्था को हम लोग बोलेंगे भ्रूणावस्था। तो यदि पूछा जाए कि भ्रूणावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, तो भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेकर 10 सप्ताह तक मानी जाती है,
और इसी भ्रूणा अवस्था में तीन लेयरों का निर्माण हो जाता है। तो एक तो आपकी होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। ठीक है, अगली हमारी अवस्था आती है शिशु अवस्था, अर्थात 10 सप्ताह बाद शिशु बन जाता है, और उस अवस्था का टाइम पीरियड होता है 10 सप्ताह से लेकर जन्म तक। देखते हैं, तो पहली अवस्था है हमारी बीजावस्था या डिंबावस्था, इसका टाइम पीरियड होता है 0 से लेकर 2 सप्ताह। अगली है हमारी भ्रूणावस्था, इसका टाइम पीरियड माना गया है 2 सप्ताह से लेकर 10 सप्ताह। अगली थी हमारी शिशु अवस्था, जिसका टाइम पीरियड 10 सप्ताह से लेकर जन्म तक। आगे हम अवस्थाओं का बंटवारा पढ़ेंगे जन्म के बाद की अवस्था। तो जन्म के बाद की अवस्था में पहली अवस्था आती है नवजाता अवस्था। तो नवजाता अवस्था का यदि टाइम पीरियड पूछा जाए तो नवजाता अवस्था का टाइम पीरियड जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। अब आप कहेंगे कि नवजाता अवस्था क्यों बोला गया, शैशव अवस्था क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय शिशु को बोला जाता है नवजात शिशु। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 15 दिन तक शिशु का प्रॉपर कलर, जो मतलब जो त्वचा का रंग जो प्रॉपर होता है वो नहीं आ पाता है। 15 दिन की अवस्था में शिशु का प्रॉपर कलर आ जाता है तथा वो अपनी आँखों पर समन्वय प्राप्त कर लेता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि शिशु अपने त्वचा का सही रंग कितने दिनों में पा लेता है? तो 15 दिन की अवस्था जो होती है उसमें शिशु का जो त्वचा का कलर होता है वो सही तरीके से आ जाता है तथा अपनी आँखों पर समन्वय 15 दिनों में पा लेता है। अगली अवस्था हमारी आती है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक माना गया। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आपको शारीरिक संरचना के आधार पर, और NCERT में शैशवावस्था का टाइम पीरियड 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष ही माना गया, या लिखा होगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और जो हम लोग पढ़ते हैं जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो वो जो होता है वो हमारा शिक्षा के आधार पर। तो अगली अवस्था हमारी आती है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। और अगली अवस्था जो है हमारी वह संधि अवस्था, और इसका टाइम पीरियड है 10 से लेकर 14 वर्ष। अगली अवस्था जो हमारी आती है वो किशोरावस्था, और किशोरावस्था होती है 14 से लेकर 20 वर्ष तक। अगली है हमारी मध्यावस्था, और मध्यावस्था का टाइम पीरियड है 20 से लेकर 40 वर्ष। अगली अवस्था जो आती है उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था का टाइम पीरियड है 40 से लेकर 60 वर्ष। और अगली अवस्था है हमारी वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था का टाइम पीरियड है 60+। तो देखते हैं, पहली हमारी नवजाता अवस्था, इसका टाइम पीरियड है जन्म से लेकर 2 सप्ताह। अगली आती है शैशवावस्था, और इसका टाइम पीरियड है 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। अगली अवस्था है हमारी बाल्यावस्था, इसका टाइम पीरियड है 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष। अगली है हमारी वय संधि अवस्था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को छोड़ने की अवस्था को कहते हैं वय संधि अवस्था।
और इसका टाइम पीरियड होता है 10 से लेकर 14 वर्ष। अगली अवस्था है हमारी किशोरावस्था, और इसका टाइम पीरियड होता है 14 से लेकर 20 वर्ष। अगली अवस्था है हमारी मध्यावस्था, और मध्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 20 से लेकर 40 वर्ष। अगली है हमारी प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था का टाइम पीरियड होता है 40 से लेकर 60 वर्ष। और अगली अवस्था है हमारी वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था का टाइम पीरियड 60+ वर्ष। अब यहीं पर एक बात आती है कि निर्जीवत्व काल का समय। निर्जीवत्व काल का समय का मतलब होता है कि शिशु में गर्भावस्था में हार्ट बीट कब तक नहीं होती है, तो 2.5 महीने के समय को निर्जीवत्व काल का समय कहते हैं। तो लिखना चाहें लिख लें, गर्भ में 2.5 माह के समय को निर्जीवत्व काल का समय कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ी सी बात हम जानते हैं कि एक बार ये पूछा गया है कि शिशु का जन्म कितने चंद्रमास में होता है। चंद्रमास का मतलब होता है पखवाड़ा। यदि पूछा जाए कि शिशु का जन्म कितने चंद्रमास में होता है, तो शिशु का जन्म 10 चंद्रमास में होता है तथा 1 चंद्रमास में दिन होते हैं 28। तो यदि 10 चंद्रमास को ले लिया जाए तो 28 जाएंगे 280, तो शिशु का जन्म 280 दिनों में होता है। यह भी नोट पॉइंट लिख लें। शिशु का जन्म 10 चंद्रमास में होता है। एक चंद्रमास बराबर 28 दिन, तो कुल दिन 280 दिनों में होता है। अब एक बात आती है ये कि शिशु का जब जन्म होता है तो शिशु की लंबाई किससे मापते हैं, तो शिशु की लंबाई इन्फेंटोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो लिख लें, शिशु के जन्म के समय शिशु की लंबाई इन्फेंटोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला पॉइंट लिख लें, शिशु जन्म के समय रेडिश कलर का होता है,
अर्थात हल्का गुलाबी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे जो हम अवस्थाएं पढ़ेंगे वो अवस्थाएं पढ़ेंगे शिक्षा के आधार पर। तो देखते हैं शिक्षा के आधार पर। अगली है हमारी शिक्षा के आधार पर। पीछे हम लोग जान चुके हैं कि शिक्षा के आधार पर अवस्थाओं को तीन भागों में बांटा गया। और किसने बांटा? तो अर्नेस्ट जोन्स ने बांटा। पहली हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था का टाइम पीरियड जन्म से लेकर 6 वर्ष, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष। तो शिक्षा के आधार पर अवस्थाओं को तीन भागों में बांटा गया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। थोड़ी सी चीज़ें हम यहाँ पर और जान लेते हैं कि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा किसका विकास होता है। तो यहीं पर एक नोट पॉइंट लिख लें, आगे कुछ चीज़ें हम लोग अवस्थाएं पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिख लें सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास होता है। इस अवस्था को बालक की अवस्था कहते हैं। इसमें ज्यादा विकास मानसिक होता है। बालिका की अवस्था कहते हैं। सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है। या बोल सकते हैं बुद्धि का उच्चतम विकास। इसे किशोर की अवस्था कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगले पार्ट में हम विशेषकर सभी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है,
इस अवस्था को बालिका की अवस्था क्यों कहते हैं, इस अवस्था को बालक की अवस्था क्यों कहते हैं, किशोरावस्था को किशोर की अवस्था क्यों कहते हैं, या बुद्धि का उच्चतम विकास यहाँ पर क्यों होता है, या दो जगह लिख दिया कि मानसिक विकास यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पर उच्चतम होता है। तो ये चीज़ें चर्चा हम विशेषकर अलग अलग अवस्थाओं में करेंगे। धन्यवाद साथियों।